एग्जिट पोल्स का सबसे ज्यादा असर कहीं दिख रहा है तो वो है बिहार, जहां महागठबंधन इस कदर बौखला गया है कि उसने हार की सूरत में खून खराबे तक की धमकी दे डाली। दरअसल पटना में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा, राजद प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी शामिल रहे। इस दौरान रालोसपा चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सभी एग्जिट पोल्स को नकारते हुए कहा कि एग्जिट पोल से भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है। कुशवाहा ने यहां तक कह दिया कि अगर रिजल्ट लूट की घटना हुई तो हथियार भी उठा सकते हैं। कुशवाहा के इस बयान के बाद बिहार में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कुशवाहा के बयान पर एनडीए के कई नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। एनडीए ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया है। खैर, कुशवाहा का बिदकना तो बनता भी है। पहले तो एनडीए से निकलकर अपनी सियासी जमीन को पलीटा लगाया, मार्च निकाला तो पुलिस की लाठियों से सिर भी फूटा, फिर चुनाव के समय कई साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके बाद खुद दो सीटों से लोकसभा चुनाव लड़ा और अब एक भी जीतने का चांस नहीं बन रहा। ऐसे में मानसिक संतुलन तो हिलेगा ही ना। बहरहाल, खिसियानी बिल्ली के जैसे खंभा नोच रहे महागठबंधन को भी 23 मई का इंतजार होगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि जब ईवीएम बोलेंगे तब ये नेता कौन सी धुन पर डोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।